मेरा नाम अमित। कहाँ पे आपका घर है, क्या कुछ मामला था, कैसे क्या कुछ हुआ? मेरा घर है बुद्धराम कॉलोनी महेंद्रगढ़। अच्छा। मैं यहाँ पे मेरी मौसी की लड़की की शादी है, शादी थी तो वहाँ कल बारात आई धर्मशाला में, रोयला धर्मशाला थी कोका बंगड़ी में। तो वहाँ मैं यहाँ से गया, मेरा भाई का फ़ोन आया, बोला भाई यहाँ बारात आ चुकी है तो ये गाड़ी को ओली छोली घुमा रही और लड़ाई होगी। तो मैं यहाँ से गया, वहाँ जाके देखा माहौल, सभी ने दारू पी रखी थी, सभी बोतलें ले रखी थी हाथों में, ठीक है। वो सब कभी उधर जा रहे थे, कभी उधर, गाड़ी को टेढ़ी मेढ़ी भगा रहे थे। हमने उनको रिक्वेस्ट की, मखोजी ऐसा मत करो, आप जल्दी ले चलो, 12 बज चुके, एक घंटा कम से कम एक घंटा डीजे वहाँ बजा हुआ, 12 से 1 बजे तक, 1 बजे सवा 1 बजे वो वहाँ से निकले। फिर वो बोले कि हमको लेट करवाया है तो हम भी लेट करेंगे। आपने लेट क्यों करवाया? दो बारात थी ना हमारी, हमने तो लेट करवाया नहीं, वे खुद लेट आए हैं। हमने तो टाइम दे रखा था, एक को 4 बजे का और एक को 6 बजे का, दो बारात आनी थी। तो ये दूसरी बारात थी जो लेट वाली बारात? हाँ, ये दूसरी का टाइम था। हाँ, एक का 6 बजे का था, एक का 4 बजे का टाइम दे रखा। कहाँ से आई थी बारात? ये बारात जो थी जिसमें लड़ाई हुई है, ये बारात थी बापड़ोदा की, जज्जर से आगे। हाँ, जो पहली बारात आई थी उसमें कोई ऐसी, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ उसमें। हाँ, बिल्कुल अच्छे से वो विदा होके गई है। इस बारात में लड़ाई हुई है। अच्छा। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, मुखर्जी चलो, बड़े बुड्ढे थे वो भी, ऐसे बोले कि हम अपनी मर्जी से आएंगे। औरत थी जो लेडीज थी सभी, वे भी बोली कि हम अपनी मर्जी से आएंगे, तुमने लेट किया तो हम भी लेट करेंगे, हम 6 बजे तक आएंगे सुबह रहे, ऐसी बात लेडीज ने भी कहा। फिर मैं कोई बात नहीं, रात को 1:30 बजे PCR आ चुकी, वहाँ PCR ने बंद करवा दिया डीजे। अच्छा। डीजे बंद करवाने के बाद वो डीजे वाला बोला कि मैं नहीं बजाऊँगा। अच्छा। उन्होंने घोड़ी वहीं बीच में खड़ी कर ली कि हम नहीं जाएंगे, तुमने धोखा दे दिया कि झूठ बोल दिया हमारे से करवा के। फिर वहाँ डीजे, उस डीजे वाला आगे आया नहीं, उन्होंने बोला मैं नहीं ले जाऊँगा, अगर डीजे ले कर चलो तो 35,000 रुपया जो खर्चा लगेगा वो तुम दोगे। उन्होंने किसी ने भी कुछ नहीं कहा। किस बात की? फिर चलान के, डीजे के चलान का, डीजे वाला। फिर उसके बाद वो बोले कि हम नहीं जाएंगे, हमें तो क्या, तो ढोल मंगवा के दो या डीजे बजवाओ, डीजे बजवाओगे तो ही हम यहाँ से सरकेंगे, नहीं हम नहीं सरकेंगे। हमने फिर भी ढोल मंगवाया। मैं रात को गया 1 बजे उठ कर ना वाल्मीकि मोहल्ले में गया, मैं उसको लेके आया ढोल वाले को, ढोल वाले के साथ उन्होंने बदतमीजी की, उसकी कॉलर पकड़ी, कभी उसके गुद्दी पकड़ी, कभी उसका हाथ पकड़ रहे हैं, कभी उसको धक्का मार रहे हैं, बहुत गंदी हरकत की उन्होंने। फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद यहाँ पंचमुखी के पास आ गई बारात, मम्मी यार वहाँ पहुँची, मम्मी यार बोले कि लेट क्यों कर रखा है, जल्दी जल्दी चलो। उनमें से 2:30 बज गए, उनमें से उनका बटिया था पता नहीं कौन था, वे गंदी गंदी गाली देने बोले, लेडीज को ऐसे बोले कि क्या कर रही है यहाँ, इनको भेजो आगे। फिर यहाँ आने के बाद फिर दोबारा फिर उन्होंने ये कहा है लेने के लिए, तो हमने जब उन पे हाथ उठाया था, इससे पहले हमारी कोई बात नहीं थी, हमने हाथ पैर जोड़े। इसके और भी कहो आदमी है उससे भी पूछवा दूँगा, बहुत सारे आदमी थे वहाँ, डीजे वाला खुद था, ढोल वाला भी था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद उन्होंने फिर कहा क्यों आइए, वो आगे इतनी सुन कोई नहीं सुनेगा जी। फिर हमने उनके 2-4 थप्पड़ मार दिए, फिर लड़ाई हुई, 900 उतर के वो बोला कि मैं नहीं करवाऊँगा शादी, उसने टोपी सहरा सूरा सब कुछ माला वगैरह सब कुछ उसने फेंक दिया, वो बोला कि मैं शादी नहीं करवाऊँगा। तो कौन अपना बेटी को ऐसे जबरदस्त भेजेगा बताओ? इस वजह से हम अपनी लड़की को नहीं देंगे। हाँ, हमने फिर मना कर दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनकी लेडीज ये बोली कि एक बार फेरे हो जाने तो फिर बताएंगे इनको। और घोड़ी पे दारू पी उसने? अच्छा, घोड़ी पे सर दारू पी है? दारू पी हमने देखा खूब अच्छी तरह, मैंने अपने आंखों से देखा, दारू की बोतल पी उसने। बोले फिर शादी हो जाने, फेरे हो जाने दे, यहीं की यहीं छोड़ूंगा मैं, ऐसे बोला उसने। बोला बताओ फिर हमारा दिल कैसे करेगा? और फिर ये बोला कि लड़की के साथ में यहाँ से लड़की की विदाई होगी ना, जो साथ में जाएगा उसको वापस नहीं आने देंगे वहाँ से। मैं दूल्हा की बात है, बारात के गला झगड़ा हो जाता तो कुछ बात नहीं थी, राजी राजी बेटी ने हम विदा करते, जिस तरह हमने बड़ी बेटी विदा करी है छोटी वाली ने भी विदा करते। कौन सा माँ बाप है इतना
हाथ जोड़ कर सब हाथ जोड़ जोड़ कर तू दिए 10,000 तू दिए 10,000 चार चार बेटी बांट के है 10,000 उस बाण ने दिए 10,000 दिए 10 भाई ने दिए 10 भाई ने दिए ड्रो कर 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 हमने शादी करी किसी ने चिन्नी गिरवाई किसी ने कीमत गिरवाया मैंने सब कर कर ये बेड़ा उठा कर हमने कराया बेड़ा पार कर बड़ी 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 लड़के ने दाऊला जी खुशी भेज दी छोटी आली ने बरात कर जाती कोई वो रोला नहीं था दूल्हा ने रोला कराया दूल्हा के पीछे कहानी बिगड़ी जो ई वे इसी हरकत कर दी तो जिंदगी भर इस तरह मेरी बेटी की पार गिर था बता दो हम सिर्फ दूल्हा के पीछे छोड़ी है हम बिल्कुल नहीं भेजा हम दूसरी जगह बैठाऊंगे अपनी बेटी उड़े नहीं बैठा बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं बैठा भाई उड़े सही दूसरी जगह शादी करेंगे हमने सोच लिया आप दूसरी ही जगह ही करेंगे शादी यहाँ तो करने का मन बिल्कुल भी नहीं हमारा सारे परिवार मना कर रहा है बिल्कुल क्योंकि लड़के ने ऐसी हरकत ऐसी की है बताओ कैसे चल बरात कर जाओ कोई बात नहीं दूल्हा का कोई मतलब नहीं था बिल्कुल भी मतलब नहीं करते हैं लेकिन दूल्हा करता है ना तो कैसे मन करेगा वैसे लड़की क्या कहती है लड़की मना कर रही है साहब बुला दे लड़की ने आज अपने नून बेटा ये नौबत ये कर देंगे अपना दगे रुतबा बालोट पहले बड़ी की बरात आई उन्हें कुछ भी नहीं कुछ भी है कुछ भी रोला नहीं होया नॉर्मल शादी सुई तक का भी रोला नहीं होया और जो ये बापड़ा दूसरी बरात पर छत से नुका 6 बजे बरात लेकर जाओगे दिन में 6 बजे या जिद कर रखी थी या तुम्हारी दिन में बुलानी थी या हमारी पहले बुलानी थी भाई तुम्हारे इतने पहले हमने तो कही थी दोस्ती भी पहले आओगी ना उससे पहले कर देंगे चीज छोटी हो चीज बड़ी हो बड़ी वाली की बड़ी की खूब बढ़िया तैयार कर दी हमारे साथ फेरे और बड़ी वाली के हम गौरव भेज दिए मतलब उन्हें गौरव जाओ फटाफट उन्हें लिया हमने शादी कर इसके फेरे फेरे जल्दी करवा कर मैं उन्हें लिया फटाफट 2 घंटे 1 बजे तक वहाँ धर्मशाला में तो नहीं निकले तो 3-3 बजे 4-4 बजे कौन सा था उनका नो 3 बजे यहाँ पहुँचे आते एक साथ यहाँ झगड़ा कर दिया उनका कहना है कि मारपीट की गई उनके साथ मारपीट तो उन्हें चल्लू की थी ना करी चल्लू फिर बाद में हमने भी लगा एक दो हमने भी लगाए कसर छोड़ देगा कोई ना छोड़ दे बेटा कसर कोई नहीं छोड़ देगा मारे क्या करें बताओ कुछ उन्होंने मांगा भी था कुछ दहेज वगैरह कुछ इस तरह की नहीं जी मांगा नहीं कुछ जी हम ये नहीं बस जो हम तो ये चाहते हैं हमारा जो ये खर्चा लगा ना हमें ये मिलना चाहिए बस और फालतू ना हम ही कहते हैं ये दे दे वो दे दे जो हमारा खर्चा लगा है बस यही मांगते हैं लगभग होगा कम से कम 3-4 लाख रुपए का लगभग तो लगा ही खर्चा इतना तो आप नहीं पता आप देख लो एक टेंट का खर्चा क्या होता है हलवाई का खर्चा क्या होता है सारा राशन क्या क्या आता है इतना खर्चा ही लगता है ज्यादा तो बताते नहीं हमने ऐसे नहीं बताया 10 लाख लगा दिए 10 नहीं लगे हमारे 3-4 लाख रुपए लगे हैं हमें तो यही कपड़ा लत्ता टूम वगैरह जो भी बनवाई है वो वापिस हो जाए हमारी जो वापिस हो जाए और कुछ नहीं चाहते हम ले जाने के लिए तैयार है तो आप ले जाए वो तो तैयार लेकिन हम नहीं भेजते ना तैयार है बताओ कैसे भेजे लड़की नहीं तैयार है ना अब लड़की से पूछो आप लड़की तैयार बिल्कुल भी नहीं है मना कर दिया साहब मैं नहीं जा लड़की जाओ और नहीं हम भेजा भाई हाँ राजी खुशी आता दूल्हा भी हाथ जोड़ लेता कर लेता ना बिल्कुल आराम से भेजते बिल्कुल आराम से भेजते दूल्हा ने इतनी बड़ी वाली भेजी है विदाई कर हाथ नहीं जोड़े बाद में नहीं जी कोई मतलब ही जोड़े आप जोड़े हम जोड़े आप जोड़े आप जो हमें भेज दो हम लेके जाएंगे कैसे लेके जाओगे उसने खुद बयान लिया लड़की से उसका जीजा ने लड़के के जीजा ने लड़की से पूछा कि आपको दबाव तो नहीं है नोली जी ना बिल्कुल कोई दबाव नहीं है मैं अपनी खुद कहती हूँ कि मैं नहीं जाना चाहती इसके पूछ लेना आप भी बेशक बयान ले सकते हो।